बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सीएस हाउस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर पार्ट वन का यूनिट नंबर टू। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर टू, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। उसमें कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ ग्रुप वेयर, व्हाट इज़ सर्वर कंप्यूटर, व्हाट इज़ क्लाइंट। ठीक हो गया, यूनिट नंबर टू है हमारा। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, या उसका दूसरा नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड फॉर द शेयरिंग ऑफ डाटा एंड रिसोर्सेज, कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में मिला दिया जाए डाटा शेयरिंग के पर्पज़ के और रिसोर्सेज शेयरिंग के पर्पज़ के साथ, तो हम उसे कहेंगे कि यह हमारा नेटवर्क है। मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, मतलब अपना डाटा सेंड कर सकें या दूसरे कंप्यूटर से डाटा रिसीव कर सकें, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक हो गया। उसके बाद रिसोर्सेज में इंक्लूड प्रिंटर, हार्डवेयर, डिस्क और प्रोग्राम्स। डाटा शेयरिंग की तो समझ आ रही है, उसमें रिसोर्सेज था। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज से मुराद होता है कि हम प्रिंटर जो है उसको शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स को शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर की एग्जाम्पल मैं छोटी सी देता हूँ कि हमने एक कंप्यूटर लैब बनाई। सपोज़ करें कि कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर्स थे, तो उसके लिए ज़रूरी, वैसे तो अगर नेटवर्क क्रिएट ना हो तो ज़रूरी होता है कि हर कंप्यूटर के साथ अलग से प्रिंटर मौजूद हो। लेकिन अगर हमने नेटवर्क क्रिएट किया होगा तो हम एक ही प्रिंटर को 20 कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और 20 कंप्यूटर में से किसी को भी यूज़ करते हुए हम अपना प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है द कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड बाई यूजिंग कम्युनिकेशन मीडिया, और कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया हमारी वायर भी हो सकती है, कोई केबल भी हो सकती है, एंड विद आउट वायर भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बेनिफिट आ रहा है टू शेयर डाटा, शेयर रिसोर्सेज, उसके बाद है शेयर सॉफ्टवेयर, सेंड ईमेल्स, कम्युनिकेट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारे उसके बेनिफिट्स थे कि हम डाटा शेयर कर सकते हैं, शेयर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को ईमेल वगैरह सेंड की जा सकती हैं और पूरी दुनिया में किसी भी बंदे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बाई यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है? कि जब एक ही पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और उनके कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही प्रोजेक्ट पर अगर बहुत सारे लोग बैठकर काम कर रहे हों और उसको हम कहेंगे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब हमें एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट 10 लोगों ने करना है, तो अब 10 लोग बैठकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन 10 लोगों का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब 10 लोगों के जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कंप्यूटर्स का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपस में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। एक बंदा दूसरे का काम चेक कर सकता है कि उसने काम कितना कर लिया है या कैसे कर रहा है, या एक बंदे को अगर प्रॉब्लम हो तो वो दूसरे बंदे से पूछ सकता है कि मेरा ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे काम करना है, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें या मेरा काम थोड़ा सा कर दें। तो इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही काम है और सारे मिलकर कर रहे हैं। जैसे सिंपल एक रूम होता है तो उसको हमने पेंट करना है, 5 लोग मिलकर उस एक कमरे को पेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है। उसमें अगर एक बंदे को दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाई शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कि एक ही पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वापस में मिलकर काम कर रहे हैं।
The process of sharing information on a computer network is called work group computing or collaborating computing. वो process जिसमें हम sharing जो है वो information को share कर रहे होते हैं, मतलब एक बंदा दूसरे तक अपना data send कर रहा है, दूसरा तीसरे तक, तीसरा फिर पहले तक, ठीक है। तो आपस में वो connected होते हैं तो data sharing कर सकते हैं। इसको हम data, इसको work group computing या collaborating computing का नाम देते हैं। तो नाम याद रखना है कि इसका दूसरा नाम collaborating computing भी है। What is groupware? Groupware क्या होता है? Groupware असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम वर्क ग्रुप कंप्यूटर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए इनफैक्ट हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो उस मकसद के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज फॉर ग्रुपवेयर कंप्यूटिंग। दिस इज़ यूज ऑन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के। मतलब बहुत सारे जो मतलब डिवेलपर होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में, वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, एक दूसरे को डाटा सेंड या रिसीव कर सकें, एक दूसरे की हेल्प भी की जा सकती है। द इंडिविजुअल कैन यूज़ इट फॉर कोलेबोरेट विद देयर कोलीग्स। और इंडिविजुअल मतलब वो अपने कोलीग्स जो होते हैं, मतलब अकेला बंदा अगर चाहे तो वो अपने कोलीग्स के साथ इसको यूज़ करते हुए कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जी सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर हमारे बेसिकली नेटवर्किंग में इस्तेमाल हम करते हैं। नेटवर्किंग में हमारा जो सारे नेटवर्क को कंट्रोल व करने वाला कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर कंप्यूटर का नाम देते हैं। सर्वर कंप्यूटर जो है वो सभी कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होता है, नेटवर्क में जो सारी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारे नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है उसको हम सर्वर कंप्यूटर का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा सर्वर कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर्स की निस्बत पावरफुल होता है। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा इन अ नेटवर्क। और ये हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और जितना भी डाटा होता है सभी को कंट्रोल करना सर्वर कंप्यूटर का काम होता है। इसका मतलब एग्जांपल इसी तरह से हम ले सकते हैं कि जैसे क्लास पढ़ाई जा रही है तो उस क्लास में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्लाइंट्स हैं, और वहाँ पर जो टीचर खड़ा होता है वो टीचर क्या होता है, वो एज ए सर्वर काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर शेयरिंग स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और इसको हम डाटा शेयर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है जी? क्लाइंट होता है जैसे मतलब एक जो सर्वर था वो सबका हेड था, सभी को कंट्रोल करने वाला था। तो क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो उसके साथ कनेक्ट होता है, जो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है उसको हम क्लाइंट कंप्यूटर का नाम देते हैं। जैसे क्लास की मैंने एग्जांपल दी तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्लाइंट, और जो वहाँ पर टीचर होता है वो एज ए सर्वर काम कर रहा होता है। अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट इज़ कनेक्टेड टू द सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। के जो सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, मतलब जितनी भी उनकी फंक्शनैलिटीज़ थी उन फंक्शनैलिटीज़ किसके लिए यूजफुल होती हैं, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के लिए। द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज के लिए जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे सर्वर कंप्यूटर को। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। और उन रिक्वेस्ट के मुताबिक ही उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ लेस पावरफुल देन सर्वर कंप्यूटर। और ये पावर जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है उसकी निस्बत कम पावरफुल होता है, उसकी निस्बत इसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है वो कम होती है। लें जी ये था आज का हमारा टॉपिक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।